सामुदायिक तौर पे हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा कि चूहे खेत के अंदर कम लेकिन मेड़ों पे ज़्यादा बिल बनाते हैं। आप अगर मेड़ पे चलते रहेंगे तो आपको कई बिल दिखेंगे इसमें, और वो बिल सक्रिय है कि नहीं, उस बिल में चूहे सक्रियता से रहते हैं कि नहीं, इसको जानने के लिए एक छोटा सा काम आप करें। शाम के समय उस बिल को एक कागज़ से ढाँक दें, कॉपी का जो पन्ना होता है उससे ढाक दें, और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी रख दें ताकि वो कागज़ उड़ के न चला जाए। और दूसरे दिन आके देखें उस पर कि अगर वो कागज़ हट गया है, इसका मतलब उसमें चूहे सक्रिय हैं, उस चूहे ने उस कागज़ को हटा दिया है और उसमें से बाहर निकल के आया है। जिस बिल पे कागज़ पड़ा रहे, इसका मतलब उसमें चूहों का आवागमन नहीं होता है। तो जिन बिलों में चूहों का आवागमन आपको पता चलता है, कागज़ हटे हुए मिलते हैं, वहाँ पर आपको दो तरह की चीज़ें डाल सकते हैं आप। एक तो जो बाज़ार में चूहे मारने की दवाई मिलती है, बिस्किट के रूप में मिलती है आमतौर पे, उसके टुकड़े करके उसको बिल के आसपास डाल सकते हैं, या एक जिंक फॉस्फाइड दवाई आती है, काले रंग का पाउडर होता है, जिससे चूहों का खून गाढ़ा होने लगता है और कुछ दिनों में मर जाते हैं। तो जिंक फॉस्फाइड का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जिंक फॉस्फाइड का उपयोग करने से पहले एक सावधानी आपको बरतनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जिंक फॉस्फाइड मिली हुई गोलियां, आटे में जिंक फॉस्फाइड मिलाते हैं और उसकी गोलियां बना के डालते हैं, तो चूहे उसको एकदम से नहीं खाएंगे। इसलिए उनको आदत डालने के दृष्टि से सादे आटे की गोलियां, जैसे हम घर में रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, उस तरह के गूंद के और उसको छोटी छोटी गोलियां बना के बिल के आसपास डाल दीजिए। एक दो दिन वो उनको खाने की आदत हो जाएगी, फिर तीसरे दिन उसमें 1 किलो आटे में 10 ग्राम जिंक फॉस्फाइड काला चूर्ण जो आता है उसको मिला दें, थोड़ा सा उसमें बेसन डाल दें, मीठा तेल डाल दें और उसकी गोलियां बना के डाल दें। तो जब वो जिंक फॉस्फाइड मिली हुई गोलियां खाएंगे और उनके शरीर के अंदर जाएगा, उनका खून गाढ़ा होने लगेगा और कुछ दिनों में वो मर जाएंगे। ये काम चाहे वह आप बिस्किट डालने का हो, चाहे जिंक फॉस्फाइड की गोलियाँ डालने का हो, ये सभी किसान मिल के एक साथ करेंगे तो इसके हमको परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। और अगर शुरुआत में ही एक बार के प्रयास में ही आपके 10-15-20 चूहे मर गए, तो ये समझ लीजिए कि आगे आने वाले 15-20 दिनों तक वो चूहे आपकी फसल में नुकसान नहीं कर पाएंगे, भाग जाएंगे, वो दूसरी जगह चले जाएंगे कहीं, लेकिन आपके खेत में नुकसान नहीं करेंगे। और इस दौरान आपकी फसल या जो फलियाँ हैं इतनी बड़ी हो जाएंगी या कड़क हो जाएंगी कि चूहे उसको खाना पसंद नहीं करेंगे।